गाइस वेलकम बैक टू द चैनल जेके 12 वाले भी। सो भाई जैसा कि आपको पता है अपना हम मोरबी के लिए निकल आए थे रात को, यहाँ पीछे होटल था उधर मतलब मोरबीसी रोड पे, तो हम घूमते हुए रात को आके 12 बजे, तो फिर वहाँ से अभी आगे अभी यहाँ से 10-15 किलोमीटर रह गया मोरबी हम पहुँचने वाले, ऑलमोस्ट मोरबी पहुँचने वाले। ये पार्किंग है इधर पर होगी और ये टाइल मार्किंग है, पूरी टाइल मार्बल मार्किंग, पूरा मतलब गुजरात में सबसे ज़्यादा टाइलें वगैरह जो बनती हैं यहीं पे बनती है मोरबी साइड। तो हम आगे आज उम्मीद है आज हमारे को लोड हो जाएगा कन्फर्म, क्योंकि हम कटोदरा से 300 किलोमीटर खाली आए हैं, 13 किलोमीटर रह गए वो बोर्ड लगाए, तो जाके पंपड़ी में रुकेंगे उधर चेट किंग रोड बेस वहाँ पे, तो हो सकता है सुबह सुबह कन्फर्म हो जाए लोड, उम्मीद है कि हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे माल निकलता ही रहता है, माल की कमी नहीं है पर रेट का ही फर्क है, कभी ऊपर हो जाता है कभी नीचे, पर है माल मिल जाएगा। जो भी होगा आप चलते हैं गाड़ी लोड करने के लिए, वेटिंग करेंगे सुबह सुबह, बस लोड कन्फर्म हो जाए तो जाएंगे लोडिंग के लिए। किधर जाएंगे ये आस पास में इधर फैक्ट्रियों में होती है लोडिंग, तो चलो ज़्यादा टाइम जाने करते हुए ब्लॉग को रखते हैं। भाई कई भाई लोग बोल रहे थे गाड़ी वगैरह वाश नहीं करवा रहे, आज हमारे को खाली गाड़ी थी तो हमने सोचा चलो वाश करवा लेते हैं। ये रहा अपने ट्रक, यहाँ पे सर्विस स्टेशन है, मोरबी में पहुँच ही गया ऑलमोस्ट। ये चेक करो पहले अभी गाड़ी की क्या हालत है, जब वाश हो जाएगी तब बताएंगे। तो भाई हो रही है अपनी वाशिंग, दो पाइपें लगी हुई हैं, एक उस साइड से मार रहा है बंदा एक इधर से, तो यहाँ पे सर्विस स्टेशन है देख लो। तो भाई वॉशिंग अपनी कंटिन्यू है, जब वॉश हो जाएगी गाड़ी तो फिर आपको बताएंगे। तो यहाँ रही है मस्त सुबह अभी 8 बजे है, लेकिन गर्मी अगर हवा ना चले तो गर्मी बहुत है, देख लो थोड़ी हवा चल रही है अभी। तो भाई आगे इधर हम फैक्ट्री में लोड अपना हो गया कन्फर्म, लेकिन दो जगह से लोड करना है, एक यहाँ पे और दूसरी पता नहीं कहाँ पे हो गई है, किटको फैक्ट्री है टाइल वाली, ये कंटेनर के बाद अपनी गाड़ी लोड होगी। फिलहाल तब तक भूख लगा है तो चावल शावल बनाते हैं, कुछ खाना वगैरह खा लेते हैं। गाइस अभी हम आ गए हैं फैक्ट्री में, तो अभी टाइलें वगैरह लोड करनी है यहाँ से, तो अभी गाड़ी अपनी लगा दी पॉइंट पे। तो ये चेक करो भाई यहाँ से लोड होगी अपनी गाड़ी, लोडिंग अपनी चालू होने लगी, ये वाली टाइलें लोड करनी है।
फट्टे वगैरह भी खोल दिए हैं और गाड़ी अभी लोड करेंगे। सो गाइस अभी हम फिलहाल यहाँ से एक जगह से लोड कर दिया, अब दूसरी जगह जा रहे हैं। मैंने बोला था ना पानी मारने से ये इसका क्या हो जाता है, दाग लग जाते थे, लगे हैं ना, इसको उधर जाके बढ़िया से फिर साफ करना पड़ेगा। तो अभी हम लोड करके आए एक जगह से 25 टन माल, अब दूसरी जगह से लोड करेंगे 5 टन एक फैक्ट्री और से फिर निकलते हैं। गर्मी के हालत देख लो भाई कैसी हालत है, तो मत पूछो गर्मी बहुत है यार इधर, बस रब ही बचाए। गर्मियाँ आते आते हवा चलने लगी, देख लो उड़ने लगा थोड़ा, चलो ऐसी हवा चलती रहे ना थोड़ी कम महसूस होती है। नहीं तनु पी रहा है पानी, कौन सा पानी पी रहा है, पैकेट है, इधर दे इधर दे इधर। आपको बताते हैं इधर पानी कौन सा मिलता है, ये देखो 1 रुपए का पैकेट प्यास बुझाने के लिए। तो भाई हम दूसरी फैक्ट्री में आए हैं, यहाँ पे सैनिटरी वगैरह लोड कर रहे हैं, टाइलें लोड करके अभी दूसरी जगह सैनिटरी टाइल लोड करनी है। तो अब यहाँ से मान लो अब लोड करके रात को फिर शाम को निकल जाएंगे। चलो यार काफ़ी दिन हो गए घर भी नहीं गए, घर में आपको पता है हमारे साथ क्या चल रहा है आजकल, सिस्टम थोड़ा आउट ही है मकान शकान वगैरह का, तो आपको पता है मकान का भी काम लगाया। तो जिंदगी में मुकद्दर में जो लिखा होता है बंदे के ना वो होता ही है यार, मतलब आपको पता है हमारे अपने साथ पिछले 1 साल से 1.5 साल से मतलब बहुत सैड मतलब सिस्टम चल रहा है, सैड ही अपसेट अप एंड डाउन चल रहा है। तो चलो झेल रहे हैं भाई, किस्मत की बात है, जो मुकद्दर में होता है वो होता ही है। अब घर में मतलब मकान का आपको पता है 10-15 लाख रुपये तो लग ही जाएगा नॉर्मली, तो करेंगे कहीं ना इधर उधर कहीं जुगाड़ करेंगे यार, क्या करना है। बाकी ये देख लो, चेक करो भाई इधर, यहाँ से एक घोड़ा भी लोड हो रहा है, तो यहाँ पे पीछे लोडिंग हो रही है अपनी। टाइलें लोड की थी दूसरी फैक्ट्री से, यहाँ से वो सैनिटरी ऊपर डालनी है, तो डाल के फिर जाना है। यहाँ पे दसल्लू वगैरह भी बनते हैं। सो भाई अभी अपना गाड़ी ट्रक लोड कर लिया है, किधर के लिए लोड किया, कश्मीर के लिए लोड कर लिया गाड़ी, और गोइंग टू कश्मीर आफ्टर कितने 1 महीने के बाद है ना, काफी टाइम बाद भाई गाड़ी लोड किया, और चलो यार फिर भी लोड मिल गया और घर जाने की मतलब खुशी इतनी होती है ना बंदे अपनी साइड जाने की। नहीं इस वेरी तनु को जम्मू कश्मीर घुमाएंगे। चलो अभी गर्मी भी थोड़ी थोड़ी कम होने लगी है, सूरज ढलने लगा, चलो यार क्या करें अब चलते हैं आगे जाके कहीं करवाएंगे कांटा। तो भाई अभी शाम का टाइम होने वाला है, तो अभी मोरबी में इधर बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ट्रक वगैरह बहुत सारे लोड होते हैं यहाँ, और रोड के कभी इधर कभी उधर मतलब पास इधर टर्न मारते हैं इधर उधर, तो उस वजह से जाम इस एरिया में बहुत लगता है, मतलब ड्यूरेशन जैसे कट गाड़ी इधर यू टर्न मार के वापस आ रही है, और फ्लाई ओवर कम है ना, फ्लाई ओवर दूर दूर तक हैं, तो इसलिए गाड़ियां बीच से टर्न मार लेती हैं, तब जाम लग जाता है।
और अभी हम पहुंचने वाले हैं लोड टर्ली और जाके कंपनी में ट्रांसपोर्ट में जाके वहीं पे बिल्टी शेल्टी वगैरह लेंगे और निकलेंगे फिर आस्ते आस्ते। चलो रात रात को कोशिश करेंगे यार गुजरात पार कर लेंगे। अभी यहाँ गाइस कांटा करवाना है। आजकल इधर गुजरात में ना लोग पैसे गूगल पे से नहीं लेते तो कैश का थोड़ा पंगा ही रहता है। बोलता है आ जा, पहले पूछना ज़रूरी है क्योंकि अगर नहीं मानेगा बंदा तो फिर फायदा क्या है। पैसा कैश नहीं है ना पास में इसलिए। चढ़ा दी गई कांटे पे गाड़ी। तो भाई अपना पहुंच आए हैं यहाँ पे होटल में, रोटी खा लेते हैं यार, भूख भी लगी है। ये सामने अजंता होटल। और अपने ट्रक लोड करके फिलहाल अपना यहाँ से खाना वगैरह खा लेते हैं तो फिर चलते हैं, क्योंकि दिन में चावल खाए थे तो भूख लग गया यार, जल्दी खाए थे दिन में। ये रहा अपना ट्रक और ये जनता होटल, गुजराती होटल है। तो भाई आ चुके हैं होटल में, गुजराती होटल है ये, तो अभी खाना वगैरह खा लेते हैं, खाना वगैरह खा के फिर चलेंगे निकलेंगे यहाँ से आस्ते आस्ते। दिन में गर्मी बहुत होती है ना, थोड़ा रात रात में सफर निकालेंगे। तो चले हुए हैं भाई, खाना खा के निकले थे वहाँ से, 100 किलोमीटर प्लस तो आ ही गए। अभी टाइम हो गया रात के 12:30 और हम पहुँच गए, बस इस रोड को छोड़ने वाले हैं। ये रोड अहमदाबाद मुंद्रा पोर्ट वाली है।